हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि BBAU में आप जब काउंसलिंग कराओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए रेडी रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आपको फिजिकली बुलाया जाएगा तो अप्रॉक्स मैं मान के चलती हूँ कि आपको 15 को बुलाया जाएगा। जैसा मैंने आपको एक नोटिस बताई थी कि उसमें 15 से ये सब कुछ शुरू कर रहे हैं, तो मैं अगर मानूँ तो 15 जुलाई को आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि इन्होंने नोटिस भी प्रोवाइड करी थी, अगर आगे पीछे कुछ बढ़ता है तब भी आपको 15 जुलाई ही जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट तब लेके जाना है, प्लस अभी जब यहाँ पे ऑनलाइन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, 15 तारीख को कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपके 15 जुलाई को होने ही होने चाहिए, और अगर 15 जुलाई को नहीं होगा तो आगे कौन सी डेट में आप दे सकते हो, प्लस अगर आपके पास इन केस कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो छोड़ के मत जाना, अगर आपने छोड़ दिया तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं एक्स स्टूडेंट हूँ यहाँ की, तो मैं इसीलिए एक्स स्टूडेंट लगाना पड़ता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा भरोसा रहे और हाँ आपको ये रहे कि हाँ ठीक है मैम सही सही बता रही हैं ये वो करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं वो बच्चों की गलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसे चैनल से कभी कभी जुड़ जाते हैं कि कुछ और बताते हैं और होता कुछ और है। बट यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ये सारा सब कुछ सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ पे ये रिसर्च किया हुआ है, सर से पूछा हुआ है और ऐसा ही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो BBAU रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे ओरिजिनल और फोटोकॉपी कौन कौन सी ले जानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल जितने भी आप यहाँ पे लेके जाओगे ना डॉक्यूमेंट्स, सबका आपको फोटोकॉपी करा के ले जाना ही जाना है। सबसे पहले कॉल लेटर, कॉल लेटर का मतलब जो आपका हम आपको लिख दे रहे हैं CUET का स्कोर कार्ड, सबसे पहले CUET का स्कोर कार्ड प्लस CUET में आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उस फॉर्म को लिए जाना, फिर CUET का एडमिट कार्ड भी लेके चले जाना। वैसे ये नहीं मांगा जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं मांगा जाएगा, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो लेके चले जाना। प्लस आप जब BBAU में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो यहाँ पे आपको इसका भी लेके जाना है फॉर्म, ठीक है। इसको भी आप प्रिंट निकलवा लेना। ये चीज़ हो गई, ये दो चीज़ हो गई, दो चीज़ ये, और यही लिखा हुआ है CUET स्कोर कार्ड पहला, जो यहाँ पर लिखी हूँ ना पॉइंट्स वो सारे लेके जाने ही जाने हैं। दूसरा क्वालिफाइंग मार्कशीट, मतलब आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाई हुआ है ना, तो ग्रेजुएशन जो क्वालिफाई हुआ है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसमें लिखा फर्स्ट सेकेंड और फाइनल ईयर मार्कशीट, फर्स्ट सेकेंड फाइनल ईयर, फर्स्ट में दो होंगे, सेकेंड में दो होंगे और थर्ड में भी दो होंगे अगर सेमेस्टर हुआ है, नहीं तो आपका फर्स्ट का सेमेस्टर वाइज हुआ है तो फर्स्ट की हो गई, सेकेंड में अगर दो सेमेस्टर हुआ है तो मतलब वो सेकेंड की टोटल मिला के थर्ड का हुआ तो थर्ड का, इन केस आपका अवेटेड है। अगर मैंने बोल दिया अवेटेड है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग फॉर्म आप कब दोगे मैं आपको बता दूंगी, आप एक एप्लीकेशन लिख लेना बेटा, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपको अपलोड कर दूंगी यहीं पर पोस्ट पर, तो आप वो एप्लीकेशन इनको लगा करके दे देना, अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर फिल करके दे देना, तो कंसिडर कर लिया जाएगा। और अगर आपका अवेटिंग है, आपका एक साल का वेटिंग है तब माना जाएगा, लेकिन अगर आपका दो साल का वेटिंग है तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है, मतलब क्वालिफाइंग परसेंटेज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग परसेंटेज का मतलब जो आपका यहाँ एलिजिबिलिटी होता है ना, आपका एलिजिबल होना है नहीं होना है इसके बारे में, तो यहाँ पे जो 50 लिखा हुआ है 50% जनरल OBC का होना चाहिए, SC ST का 45% होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेटा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपका यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाएगा। AWS का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी ही ज़रूरी है, अगर आपका ये नहीं होगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर हम 10th का मार्कशीट समझेंगे और सर्टिफिकेट समझेंगे। 10th का मार्कशीट लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप UP बोर्ड के हो, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो लेने जाने की, सॉरी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला होगा, तो आपको सिर्फ मार्कशीट लेके जाना है। और यही सेम चीज़ इंटरमीडिएट, अगर आप CBSE ICSE को हो तो आपको दोनों ले जाने की ज़रूरत है। फिर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि कैरेक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप एफिडेविट लेके जाओगे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
एफिडेविट लेके जाओगे। एफिडेविट किस चीज़ का? एंटी रैगिंग का, कि भैया वहाँ जा रहे हो कैंपस में, ऐसा तो नहीं आप रैगिंग कर रहे हो अपने जूनियर्स की। और अगर रैगिंग कर रहे हो ना तो भैया फाइन लग जाता है, फाइन वाइन लगेगा, आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो इसमें आप खुद जिम्मेदार होगे, एक तो स्टूडेंट की तरफ से लगता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, एक फॉर्मेट बता दिया था यूनिवर्सिटी के ब्रॉचर में आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं अभी आपको वो ब्रॉचर भी दिखा दूंगी। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी आप यहाँ पे एफिडेविट बनवा के दे दोगे 15 तारीख को, ये देना ही देना है। ओके, गैप सर्टिफिकेट देना ही देना है। अगर इन केस गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, माइग्रेशन, ये देखो लिखा नहीं, अगर ये नहीं है तो अंडरटेकिंग आप दे सकते हो, सबमिट बिफोर गिविंग डेट। आपको जो डेट दी गई है 15 जुलाई, उसके पहले पहले आप यहाँ पे कोशिश कर देना, सॉरी 15 जुलाई जो है इस टाइम पे लेके जाओगे, अगर इस टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक डेट प्रोवाइड करी जाएगी, उस डेट के पहले पहले अगर आपने, जैसे कि हमने बोल दिया कि इन्होंने दे दिया कि 30 जुलाई, 30 जुलाई से पहले पहले अगर आपने यहाँ पे सबमिट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन केस कैरेक्टर, एफिडेविट और गैप और माइग्रेशन नहीं है तो आप इनको बाद में प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको एफिडेविट एडमिशन टाइम के दे देना, एडमिशन टाइम पे दे देना ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो कि बेटा जब आप एडमिशन टाइम पे 15 जुलाई को जाओगे ना, तो आपके पास अभी यहाँ पे आज हुई है 3 तारीख, उसके अकॉर्डिंग अभी आपके पास 12 दिन है, 12 दिन में आपका कैरेक्टर, ये एफिडेविट और यहाँ गैप और माइग्रेशन सब बन जाएगा। अब माना कि गैप और माइग्रेशन आपने बोला कि मैम मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारा अभी अवेटेड लिखा हुआ है, अवेटेड है हमारा वो, तो कैसे माइग्रेशन बन जाएगा? उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपका जब आता है तब यहाँ पे आप दे दीजिएगा, सेकंड सेमेस्टर में आता है तो सेकंड में दे दीजिएगा, वो यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं। मेडिकल लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लगेगा। अभी हम आपको ये जो यहाँ पे लिख के बता रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ लिखे हैं, इसके साथ साथ अभी इनका जो ब्रॉचर है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी हम मैं प्रूफ भी दिखा दूंगी। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना बेटा, आपको लेके जाना ही जाना है, और वो मैं आपको डेट बता दे रही हूँ कि भैया अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ये कोशिश कर लेना, 1 अप्रैल के बाद का नया होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एडिट हो जाता है जब आप सर्टिफिकेट, अगर आपका 2024 का है लेकिन अगर मान लिया फरवरी का है तो वो डेट एडिट हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बेटा यहाँ पर स्कॉलरशिप चाहिए, अगर यहाँ पे बेटा आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो बेटा यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, लगा देना तो ज़्यादा बेटर है। और अगर इनकेस उस टाइम पे नहीं है तो आपके लिए टाइम दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे इतना टाइम दे दिया गया है, इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको ये सर्टिफिकेट ला करके मुझे दे देना है। समझ आया? अब हम आपको आ जाओ एक बार प्रूफ दिखा देते हैं कि यहाँ पे इनके कैसे मैम पता चलेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आ जाओ, ये जो मैंने कल आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, आप सभी को पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, अगर आपने नहीं दिया तो 1 घंटे का वीडियो मैंने BBAU से रिलेटेड प्रोवाइड किया है, आप उस वीडियो को देख लेना। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऑन बेसिस सेलेक्टेड काउंसलिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ओरिजिनल ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर एंड लास्ट डेट प्रिस्क्राइब ऑन द पर्पस। आपको यहाँ पे डेट जो दी जाएगी उसके पहले पहले ये सब प्रोवाइड कर देना है। मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री कोर्स, सेल्फ अटेस्ट। आप जब यहाँ पे कुछ भी लेके जाओगे ना तो जब फोटोकॉपी लेके जाओगे, फोटोकॉपी पे ही बेटा सेल्फ अटेस्ट होता है। फोटोकॉपी लेके जाओगे उस पर सेल्फ अटेस्ट का मतलब बेटा आपको अपने साइन करने होंगे, सब पे आपको अपने साइन करने होंगे, आप 10th 12th आप अभी तक जैसे साइन करते हुए आए हो वही साइन आपको इन पे करने होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है, जो आप यूनिवर्सिटी से निकले हो उस वो यूनिवर्सिटी बताएगा कि हाँ आपका सारा बिहेवियर ठीक था, तो यहाँ पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लोगे। माइग्रेशन भी देना होगा, अगर इनकेस नहीं है तो टेकिंग आप दे सकते हो। SC ST जो आपका मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप कश्मीर और ये सबको हो, कश्मीरी पंडित और ये सारा हो, तो बेटा वहाँ का भी एक सर्टिफिकेट लगता है, तो बेटा वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। और यहाँ पे SC ST हो तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है, वो भी लगाना जरूरी है। और जब आप SC ST वाला लगा देते हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना बेटा, यहाँ पे ना हम आपको बता देते हैं कि SC ST वाले बच्चों को यहाँ पे फ्री में हो जाता है एडमिशन, जीरो फीस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि अगर इनकेस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा मत कहना भैया हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कह देंगे हमारे पास एडमिशन अवेलेबल नहीं है, तो एडमिशन अवेलेबल नहीं है तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चुपचाप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना। मैं आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बता दे रही हूँ जो आपको देने ही देने हैं। एक तो CUET का स्कोर कार्ड, हमने बोल दिया कि जो CUET है
जो CUET का स्कोर कार्ड है, CUET ने जो स्कोर कार्ड आपको दिया वो, इसका एप्लीकेशन नंबर, आपने जो BBAU का आपने फॉर्म फिल किया था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो, प्लस आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो लगाना ही लगाना है, 10th का लगाना है, 12th का लेके जाना है, ग्रेजुएशन का जितना है उतना लेके जाना है, एक एप्लीकेशन लेके जानी है अगर आपका अवेटेड है, प्लस यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लेके जानी है, आपको ID प्रूफ लेके जाना है एक, ये तो आपको लेके जाना ही जाना है। अगर ये लेके नहीं गए तो वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस कम है। एफिडेविट लेके ही जाना है, एफिडेविट बनवा लेना। एफिडेविट बनने में मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा तहसील में, तहसील में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, आपको एफिडेविट बना करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे रह गई है जो आपको पता ना हो, और जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो, 56 मिनट का एक वीडियो है, 56 मिनट्स का, उस वीडियो में क्लियर ना हुआ हो। अगर आपको BBAU से रिलेटेड कुछ भी जानना है, नई वैकेंसीज़ या जो भी, सब कुछ मैंने बताया है उस वीडियो में, 1 घंटे के वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। प्लस बेटा, जैसा कि मैंने आपको आज एक अभी वीडियो थोड़ी देर पहले प्रोवाइड किया था, उसमें यहाँ पे BBAU ने क्या किया है, BBAU ने एक जो लिस्ट प्रोवाइड करी है वो लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट प्रोवाइड करी है, और वो सेलेक्टेड लिस्ट में कोई भी उन्होंने नाम नहीं दिया है, उन्होंने एज सच कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ नॉट अवेलेबल का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपको देखना है तो आप हमारा वीडियो वो देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नॉट अवेलेबल लिखा है, ये सब में लिखा हुआ है, नहीं मानते तो आप देख लो, ये सब में लिखा हुआ है, किसी में भी इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया है। तो ये बेटा मेरिट लिस्ट आपकी आ सकती है, हो सकता है कल सुबह 11 बजे तक आ जाए, और हो सकता है आज रात 11 बजे तक आ जाए, हो सकता है, क्योंकि बेटा कल 4 तारीख को यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट कराया जाएगा, और कैसे होगा उसके लिए हम आपको कल के ही दिन नया नया वीडियो बना करके दे देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे वीडियो को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, मैं आपको खुद से बता दूंगी, ऑनलाइन आपका हो भी सकता है कि ऑनलाइन आपका जब यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा ना, तो उधर एडमिशन आपका कराया जाएगा और इधर मैं लाइव आकर के सब कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि जब उधर एडमिशन कराया जाएगा तो उसके पहले ही नोटिफिकेशन, जो भी वहाँ की न्यूज़ होगी वो मेरे तक पहुँच जाएगी, क्योंकि BBAU से रिलेटेड थोड़ा सा डीप में है चीज़ें, तो इसलिए मैं जानती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें उनके बारे में हमको पता है और मुझे पहले आइडिया लग जाता है, तो जब वहाँ पे कराया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या होगा यहाँ पे। तो आपको हमारा चैनल क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना है ना, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाए एक एक चीज़, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू बच्चों।